रावण ने सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसियों को आदेश दिया था कि वे किसी भी तरह से उससे विवाह करने के लिए मनाएं। इसीलिए राक्षसियों ने सीता जी को परेशान करना शुरू कर दिया था। परंतु एक राक्षसी त्रिजटा ने हस्तक्षेप किया और एक भविष्य सूचक सपना सुनाया, जिसको सुनकर सभी राक्षसियां डर गई। क्या था वो सपना जिसने सबको डरा दिया? अपने सपने में त्रिजटा श्री राम और लक्ष्मण को दिव्य हाथी पर सवार होकर सीता जी की ओर आते हुए देखती है। श्री राम सीता जी को लेकर आकाश में ऊंचे उड़ जाते हैं, जिससे सीता जी सूर्य और चंद्रमा को छू सकती है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान में बैठे उत्तर की ओर उड़ रहे हैं, जबकि रावण तेल से लथपथ, लाल वस्त्र और फूलों की माला पहने हुए नशे में जमीन पर पड़ा है। रावण लाल वस्त्र पहने हुए है और हंसते हुए गधों द्वारा खींचा जाने वाले रथ पर बैठा दक्षिण की ओर जा रहा है। कुंभकर्ण और मेघनाद भी लाल रंग के वस्त्र पहने हुए एक मलकुंड में सिर के बल गिर रहे हैं। रावण का भाई विभीषण चार मंत्रियों के साथ एक सफेद छतरी के नीचे अंतरिक्ष में खड़े हुए हैं। आग की लपटों में जलती हुई लंका नगरी समुद्र में डूब रही है, जिसे देखकर एक शक्तिशाली राक्षसी जोर जोर से हंस रही है। ये सपना सुनकर सभी राक्षसियां डर जाती हैं और सीता से सुरक्षा की प्रार्थना करती हैं। सीता जी उनसे वादा करती हैं कि यदि त्रिजटा का सपना सच हो गया तो वह सभी राक्षसियों की रक्षा करेंगी।